नमस्कार, मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी रियासत की कहानी। महाराष्ट्र का सावंतवाड़ी जो गोवा की सीमा के नज़दीक है, आज एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल गोवा जाने वाले, छुट्टियां मनाने वाले सैलानी सावंतवाड़ी शहर को देखने आते हैं, यहाँ पे समय बिताते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग सावंतवाड़ी और सावंतवाड़ी रियासत के इतिहास को जानते हैं। सावंतवाड़ी रियासत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप भारत का नक्शा देखें तो जिसे हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, कोंकण, ग्रेटर कोंकण रीजन जो बंबई से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तो उस वेस्ट कोस्ट का जो एरिया है उसमें सिर्फ 3 रियासतें थी। एक था सावंतवाड़ी जो महाराष्ट्र में है, दूसरा था कोचिन और ट्रावणकोर जो केरल में है। तो सावंतवाड़ी का इतिहास समझने के लिए हमें गोवा का और गोवा के आसपास के क्षेत्र का इतिहास समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें गोवा की, तो पीपल डोंट रियलाइज कि गोवा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था मध्यकालीन भारत में। जो पोर्तुगाली आने से पहले भी जो गोवा है वो उसका एक महत्व था वेस्ट कोस्ट के ट्रेड में, क्योंकि अगर आप देखें तो वो दक्षिण में केरल और उत्तर में जो कोंकण का रीजन है उसके बीचों बीच आता था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सेंटर ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। और दूसरी बात, अगर आप अगेन अरेबियन सी का नक्शा देखें तो जो पर्शियन गल्फ है और स्पेशली जो रेड सी है, जो इजिप्ट से जो जहाज़ आते थे, तो वो उस समय जो हवा के प्रभाव पे वो जो जहाज़ होते थे वो चलते थे, तो वो जो हवाएं हैं वो डायरेक्टली जो एडन जो यमन है वहाँ से डायरेक्टली गोवा की तरफ जो शिप्स होती थी, जो सेलिंग वाली शिप्स होती थी, तो आने में उनको बहुत आसानी होती थी। तो इसकी वजह से मध्य युगीन काल से ही गोवा एक महत्वपूर्ण जगह थी। और जो ओल्ड गोवा जो कहते हैं, जहाँ पे चर्चेस बहुत मशहूर थे, वहाँ पे एक ग्रेट बंदरगाह हुआ करता था जिसे गोवापुरी कहा जाता था। कदम्ब राजा थे, चालुक्य राजा थे, तो कई राजाओं की वो राजधानी थी। तो ये जो मानना कि गोवा जो है वो पोर्तुगालियों का क्रिएशन है वो गलत है। अब अगर आप देखें, आप गूगल मैप्स में ज़रूर देखिए, तो गोवा जो है वो एक बंदरगाह था जो मांडवी नदी के तट पे बसा हुआ, और जो पेनिनसुलर इंडिया है, तो फॉर एग्जांपल जो व्यापारी मार्ग है जो नासिक और पूना से आता था, तो वो जो फोंडा घाट है और कोल्हापुर और फोंडा घाट से नीचे उतर कर गोवा आता था। इवन दक्षिण से जो व्यापारी मार्ग आते थे दक्खन से, बीजापुर और वो जो सारे जो क्षेत्र हैं, वो भी गोवा से ऐसे गोवा की तरफ से घाट से नीचे उतरते थे और फिर यहाँ से जो माल बोट्स में भर के विदेशों में जाता था। तो एक फैसिनेटिंग बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो व्यापारी मार्ग जो मैं मध्ययुगीन भारत का जो बता रहा था, आज वही जो बैंगलोर हाईवे कहा जाता है, मुंबई बैंगलोर हाईवे जो पूना से गुजर के बैंगलोर की तरफ जाता है, ये वही रास्ता है। और आज भी जो बॉम्बे से जो छुट्टियां बिताने के लिए गोवा जाते हैं वो पूना से आगे कोल्हापुर और फिर वहाँ से नीचे उतरते हैं, और ऑलमोस्ट हजार साल तक यही रास्ता इस्तेमाल हो रहा है। और सावंतवाड़ी का जो इलाका है, सावंतवाड़ी का रियासत का जो इलाका है, ये कोल्हापुर से नीचे जो घाट में गोवा की तरफ जो जाता था उसके ऑन द वे आता था। अब अराउंड 1000 साल पहले और समथिंग, ये पूरा जो कोंकण वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है वो घने जंगल हुआ करते थे, उसमें छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, और जो लगान जो कलेक्ट करते थे, अभी तो कैसे है टैक्स ऑफिशियल्स होते हैं, कलेक्टर होता है, तो उस समय जो टैक्स ऑफिशियल्स होते थे उन्हें देसाई कहा जाता था। और अलग अलग जो एरियाज थी ये वहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया करते थे। ये जो सावंतवाड़ी का जो इलाका है उसका प्राचीन इतिहास के बारे में हमें इतने
रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं, बट हमें चालुक्य काल के, हमें जो यादव साम्राज्य है, देवगिरी के यादव साम्राज्य, उनके टाइम के अवशेष मिले हैं। बट सावंतवाड़ी की जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है 1550s में, जब मांग सावंत करके एक लोकल मराठा चीफ्टन थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। अब उस समय में, ये समय था आदिलशाही सत्ता का, और ये जो पूरा इलाका है, इनफैक्ट एक समय में गोवा भी आदिलशाही, बीजापुर के आदिलशाही राजाओं के अंडर था, कोल्हापुर, पनाड़ा, और ये सारा जो दक्षिण महाराष्ट्र का काफ़ी इलाका, ये आदिलशाहियों के अंडर था। और क्या हो गया था कि 1500s में जो पोर्तुगाली हैं, उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। तो जब गोवा पर कब्जा हो गया, तो ये जो सारे थे सावंतवाड़ी और ये जो बाकी के एरियाज हैं, आउटर एरियाज, ये मतलब जंगल था, आउटर एरियाज थे, तो जो आदिलशाही रूल था इन एरियाज पे वो कम हो गया। तो इसी का फायदा उठा के जो मांग सावंत है, उन्होंने अपनी एक अपना एक सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी, हम बोल सकते हैं, एक वहाँ पे शुरुआत की। उस समय जो वाड़ी है, जिसे आज सावंतवाड़ी बोलते हैं, वो उनकी राजधानी नहीं थी। कुडाल करके एक जगह है दक्षिण महाराष्ट्र में, कुडाल, तो वो मुख्य केंद्र हुआ करता था। और जो साउथ जो साउथ कोंकण है, वो पूरा देसाई ऑफ कुडाल, जैसे मैंने आपको बताया कि देसाई जो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, तो ये जो पूरा इलाका होता था ये कुडाल देसाई के अंडर में आता था। आगे चल के और बट अगर आप देखें तो आदिलशाही इतिहास, अगर आप देखें तो कैसा होता था कि जो बीजापुर दरबार जो था, उन्हें आज की तरह ये कंट्रोल करने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, बिकॉज ये रिमोट एरियाज थी। तो वो क्या चाहते थे कि यहाँ के जो देसाई हैं, यहाँ के जो जागीरदार हैं, वो हमें सिर्फ लगान भेजा करें और हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उसमें झड़पें होती थी, तो कभी सावंतवाड़ी जो सावंत फैमिली है वो दिया करते थे, कभी नहीं दिया करते थे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट बीच में चलता रहा। इंटरेस्टिंगली अभी हम 1640s के बाद की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो लखम सावंत करके सावंतवाड़ी के जो शासक थे, उन्होंने ये जो कुडाल देसाई है, जो कुडाल से सत्ता चलाते थे, उनको डिफीट किया। उन्होंने काफ़ी आसपास के गांव कैप्चर कर लिए। एक कॉम्प्लिकेशन जो था सावंतवाड़ी के लिए, वो ये था कि दक्षिण में पुर्तगालियों का राज्य था, और जो पुर्तगाली थे उस समय के सबसे, अंग्रेज आने से पहले सबसे पावरफुल नेवल ताकत थे, तो उनकी, द सावंतवाड़ी की और पुर्तगालियों की काफ़ी झड़पें भी होती थी। इनफैक्ट जब पोर्चुगीज इंक्विजिशन हुआ, जब हिंदुओं पर काफ़ी, एक समय था जब गोवा में हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार हो रहे थे, तो काफ़ी हिंदू रेफ्यूजीज़ जो हैं वो गोवा छोड़ के सावंतवाड़ी, जो सावंतों का जो राज्य था, वहाँ पे आके बस गए। अब 1640s का समय की बात का जो समय था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का समय था। तो शिवाजी महाराज और जो सावंतवाड़ी के जो सावंत हैं, उनके बीच में झड़पें होती रहती थी, बट फाइनली उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हो गई, और इस ट्रीटी के अनुसार जो दक्षिण कोंकण है, उसके, उसका जो पूरा जो रेवेन्यू इंचार्ज है, वो सावंत के, जो सावंत, जो वाड़ी के सावंत हैं, उन्हें बनाया गया, और उन्हें सर देसाई बनाया गया। तो सर देसाई, आपने ये नाम सर देसाई, ये नाम सुना होगा, तो सर देसाई का मतलब ये है चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, कि जितने भी देसाई हैं कोंकण कोस्ट पे, जिनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर का जो चीफ होता था, चीफ रेवेन्यू कलेक्टर, उन्हें सर देसाई कहा जाता था। और ये भी, तो ये जो उन्हें सर देसाई बनाया गया शिवाजी महाराज ने लखम सावंत को, नॉट ओनली दिस, ये भी ट्रीटी की गई कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, उसका 50% रेवेन्यू वो रायगढ़ मराठा स्वराज में दिया जाएगा, और 50% रेवेन्यू वो सावंत की वाड़ी अपने पास रखेंगे। तो इसकी वजह से एक डिमार्केशन हो गया, उनमें ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ,
और ये शिवाजी महाराज की एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव थी, बिकॉज वो ईस्ट में और नॉर्थ में मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, दक्षिण में वो इनके खिलाफ लड़ रहे थे, बीजापुर दरबार के खिलाफ। तो वो और एक अपने किंगडम में एक फ्रंट नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे क्योंकि क्योंकि उनके पोर्चुगालियों के साथ वैसे तो अच्छे संबंध थे, क्योंकि काफ़ी वेपन्स, यूरोपियन वेपन्स पोर्तुगालियों से आते थे, तो वो अननेसेसरीली सावंतवाड़ी से झगड़ा नहीं करना चाहते थे। तो इसकी वजह से क्या था ना, सावंतवाड़ी जो स्टेट था वो मराठा साम्राज्य के अंडर ऑफिशियली कभी नहीं रहा, वो एक हमेशा एक सेमी मुख्तियार रियासत रहा, अनलाइक अदर स्टेट्स लाइक से जमखंडी हो या भोर औंध या जो मराठों की जो बाकी रियासतें थी उनसे थोड़ा इसका इतिहास अलग है। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद जब संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे, तब उन क्या हो गया कि संभाजी महाराज और पोर्तुगालियों के बीच में काफ़ी युद्ध हुआ, और उस समय जो वाड़ी के सावंत हैं उन्होंने पोर्तुगालियों का साथ दिया, बिकॉज जनरली जो सावंतवाड़ी है और पुर्तगाली है उनके अच्छे रिश्ते थे, बट ऑब्वियसली बीच बीच में झगड़े होते थे, बट इन अ वे वो सेटलमेंट कर लेते थे, वो हमेशा एक इक्वानिमिटी और एक हैप्पीनेस, एक साथ रहना चाहते थे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाकर उनकी बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी। मराठों दिस मुगलों का सॉरी राज हो गया रायगढ़ पर। तब मुगलों ने सावंतवाड़ी पर अटैक नहीं किया, कुछ समय तक वो जो सावंत जो है सावंत शासक वो मुगल बादशाह को लगान देते थे और रेवेन्यू देते थे, तो इसलिए उन्होंने मुगलों ने सावंतवाड़ी को ज़्यादा तंग नहीं किया। आगे चल के औरंगजेब के निधन के बाद जब शाहू है छत्रपति संभाजी महाराज के जो पुत्र थे वो दिल्ली से आ गए छूट कर, और फिर उनके घर में कलह हुआ उनकी आंट जो थी तारा रानी उनके साथ, और उसकी वजह से जो मराठा साम्राज्य है जो छत्रपति है उसकी दो गद्दियाँ बन गई, एक था सातारा और एक था कोल्हापुर। अब कोल्हापुर जो है वो बिल्कुल सावंतवाड़ी के बॉर्डर पर आता था, बिकॉज सावंतवाड़ी से अगर आप ऊपर घाट चढ़ोगे तो आगे जाके फिर कोल्हापुर आएगा। तो कोल्हापुर और सावंतवाड़ी के हमेशा झगड़े होते थे टेरिटरी को लेकर। जो कोल्हापुर के जो राजा है वो बोलते थे कि सावंतवाड़ी हमारे अंडर में है और सावंतवाड़ी इसको नहीं मानता था, तो कोल्हापुर और सावंतवाड़ी में बहुत झगड़े हुए। तो इसीलिए क्या हो गया कि जब शाहू छत्रपति शाहू सातारा के वो जब आए और उन्होंने सातारा में अपनी गद्दी बिठाई, तो सावंतवाड़ी ने सातारा जो गद्दी है उसका और जो सातारा सातारा के जो भोसले छत्रपति भोसले हैं उनका हमेशा साथ दिया एज अ काउंटर टू द कोल्हापुर छत्रपति, क्योंकि उनका एक झगड़ा था कोल्हापुर छत्रपतियों से लेकर। अब 1700s में, अब ये 1730s की मैं बात कर रहा हूँ, तो सावंतवाड़ी के लिए एक प्रॉब्लम हो गया। दक्षिण में पोर्चुगीज थे जो अपना राज्य एक्सपैंड करना चाहते थे, कभी उनके अच्छे संबंध थे कभी वो झगड़ा करते थे। उत्तर में जो छत्रपति शाहू है जिनके बारे में मैंने बताया था आपको, उनकी एक बहुत एबल कमांडर थे कान्होजी आंग्रे। तो पूरा जो नॉर्थ कोंकण है अलीबाग से लेकर ऑलमोस्ट सावंतवाड़ी बॉर्डर तक मालवण बंदर तक, ये पूरा जो आंग्रे हैं अलीबाग के आंग्रे ये उनके अंडर में आता था, और वो एक बहुत पावरफुल नेवल ताकत थी। और ऊपर घाट के ऊपर ईस्ट में कोल्हापुर रियासत थी जो भी सावंतवाड़ी पर अटैक करना चाहती थी। तो अब एक पूरी तरह से सावंतवाड़ी इन पावरफुल एक्सपेंशनिस्ट नेबर्स से घिर गया था, तो उसे ज़रूरत थी एक अलायंस करने की, और इसीलिए 1730 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसमें वो एक मिलिट्री अलायंस भी था एक कमर्शियल अलायंस भी था। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो अंग्रेजों के साथ ट्रीटी करने वाला सावंतवाड़ी भारत की सबसे अर्लीस्ट रियासतों में से एक था, और उनके और अंग्रेजों के अच्छे संबंध रहे।
फिर आगे चल के 1755 में खेम सावंत करके सावंतवाड़ी के राजा बने। उनके अंडर काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। एक तो था 1765 का ट्रीटी, मतलब ये जो पहला ट्रीटी जो मैंने आपको बताया उसके 30 साल बाद का ट्रीटी। और इस ट्रीटी में जो अंग्रेज़ हैं वो आई मीन ऑब्वियसली काफ़ी स्मार्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी रियासत की कोई एक्सेस टू सी हो, कोई पोर्ट हो। तो उन्होंने वेंगुर्ला, महाराष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था, तो वो वेंगुर्ला का बंदरगाह अपने अंडर में ले लिया और अपने जो ट्रूप्स हैं वो सावंतवाड़ी में स्टेशन किए टू प्रोटेक्ट शिपिंग, बिकॉज वो क्लेम करते थे कि जो मराठे लोग हैं वो पायरेसी करते हैं, अंग्रेज शिप्स पर अटैक करते हैं और वो सब। तो 1765 में वो एक ट्रीटी हुई अंग्रेज़ों के साथ। 1780s में एक बहुत ही हास्यास्पद, जिसे मैं कहूँगा एक लड़ाई हुई जिसे द बैटल ऑफ मोरचल कहा जाता है। अब मोरचल जो है ना वो मोर के जो पंख होते हैं उसका एक एक फैन होता है, ओके। और हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार सिर्फ एक राजा को मोरचल लेने का अधिकार है। अगर आपने मूवीज में देखा होगा या आपने इसमें देखा होगा, पेंटिंग्स में देखा होगा कि एक राजा बैठा है और उसके दोनों तरफ अटेंडेंस खड़े रहते हैं और ऐसे मोर पंख वो फैन करते रहते हैं, तो उसे मोरचल कहते हैं। तो 1780s में ये जो कोल्हापुर के जो छत्रपति थे उन्होंने, उनको पता चला कि जो सावंतवाड़ी के जो राजा है वो मोरचल यूज़ कर रहे हैं, कि उनके जो खिदमतगार हैं, जो उनके नौकर हैं, जब वो गद्दी पर बैठते हैं तो दोनों साइड पे मोरचल यूज़ करते हैं। तो उन्होंने सावंतवाड़ी पर अटैक किया ये कह के कि आप राजा नहीं हैं, आप तो हमारे अंडर हैं, आप तो हमारे नौकर हैं, तो आप मोर्चल यूज़ करते हैं इसलिए हम आप पर अटैक करेंगे। तो इसकी वजह से सावंतवाड़ी और कोल्हापुर में एक बड़ा वॉर हुआ। अब थैंकफुली फॉर सावंतवाड़ी, जो खेम सावंत हैं उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, उनके पत्नी के भाई, वो थे महादजी सिंधिया। अब ये समय था जब महादजी सिंधिया भारत के सबसे पावरफुल आदमियों में से एक थे। इनफैक्ट वो मुगल एम्परर के वकील मुतालिक या ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, और उनका दिल्ली दरबार में एक बहुत पावरफुल एक रुतबा था। तो उनके इंटरवेंशन के कारण ये जो लड़ाई है मोरचल की वो सावंतवाड़ी जीता। और नॉट ओनली दिस, उन्होंने अपना ऑफिस यूज़ करके, अपना रिकमेंडेशन, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम से एक फरमान निकलवाया कि जो सावंतवाड़ी के जो राजा है वो इंडिपेंडेंट राजा है और उन्हें मोरचल यूज़ करने का हक है। और उसके उसके बाद से जो सावंतवाड़ी के राजा है वो मोरचल ऑफिशियली यूज़ करने लगे। और ये जो झगड़ा था कोल्हापुर और सावंतवाड़ी के बीच में कि सावंतवाड़ी इंडिपेंडेंट रियासत है या कोल्हापुर के अधीन है, वो एक तरह से मिट गया। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट घटना ये हो गई कि 1803 में जो पोर्चुगीज़ है उन्होंने जो काफ़ी सावंतवाड़ी की टेरिटरी है वो कब्जा कब्जा ली। अब ये कौन सी टेरिटरी है? तो इंटरेस्टिंगली अगर आप आज गोवा में जाते हो तो हम बात करते हैं आपको नॉर्थ गोवा जाना है या साउथ गोवा जाना है, तो नॉर्थ गोवा में ये ऐसी टेरिटरीज आती हैं जैसे जो पेडणे हैं, पेरनेम जहाँ पे देश प्रभु का राज था, फिर साकड़ी या सैंक्विलिम जहाँ पे राणे अपना एक उनकी जागीर थी, और फिर ऐसे दो तीन परगने थे। तो जो नॉर्थ, आज का जो नॉर्थ गोवा है, पणजी के नॉर्थ का जो पूरा क्षेत्र है वो 1803 तक सावंतवाड़ी एरिया के अंडर अधीन था। और जो जब जंग हुई और झगड़ा हुआ और कॉन्क्वेस्ट हुआ तब उन्होंने ये जो पूरा इलाका है ये पोर्चुगालियों के पास चला गया। उसके बाद सावंतवाड़ी का एक बहुत ही इंटरनल डिस्टरबेंस का काल रहा अगले 50 सालों तक। उनके अंग्रेज़ों के साथ झगड़े होते रहे, उनके कोल्हापुर के साथ झगड़े होते रहे। इनफैक्ट 1840s में, 1845 टू 1850 तक 5 साल यहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ा उठाव हुआ था। और जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, जो
घने जंगल हैं उनके बीच में रह के यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया। अब ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1857 का जो रिवोल्ट है 1857 का, उसके 7 साल पहले सावंतवाड़ी में रिवोल्ट हुआ और अंग्रेज इतने गुस्सा थे सावंतवाड़ी के साथ कि एक उनका एक प्रपोजल भी था कि सावंतवाड़ी रियासत को ख़त्म करके यहाँ पर अंग्रेज अमल इस्टेब्लिश किया जाए, पर थैंकफुली उन्होंने ऐसा नहीं किया और सावंतवाड़ी रियासत बरकरार रहा। 1850s के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज शुरू हुआ तो सावंतवाड़ी और अंग्रेजों के जो रिलेशनशिप थे वो अच्छी थी। अंग्रेज भी बिकॉज अगेन एक सेंसिटिव इशू था, पोर्चुगीज बॉर्डर थी, तो अंग्रेज भी सावंतवाड़ी को ज़्यादा खुश ही रखना चाहते थे, उन्हें ज़्यादा तंग नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया। रघुनाथ सावंत करके जो राजा थे उनके टाइम पे वो दिल्ली दरबार जो हुआ था उसमें उन्होंने अटेंड किया, उन्हें ऑनर्स दिए गए। फिर सावंतवाड़ी सावंतवाड़ी अगर आप वैसे तो देखें तो 1900s तक एक बैकवर्ड एरिया ही रहा, क्योंकि एक तो ये एक रिमोट एरिया था, जंगली एरिया था, पहाड़ी एरिया था, उसका सी पोर्ट एक्सेस नहीं था, यहाँ पे रेलवेज नहीं थी, तो उतना विकास नहीं हुआ। बट ये सब बदलने लगा 1900s में जब खेम सावंत, जिन्हें बापू साहब महाराज भी कहा जाता है, वो बापू साहब महाराज सावंतवाड़ी की गद्दी पर बैठे, उनके कार्यकाल में यहाँ पे स्कूल्स बनाए गए, यहाँ पे एक एजुकेशन का काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया, सैनिटेशन का, टाउन प्लानिंग का, और उनके टाइम पे काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। बापू साहब महाराज हैं, उनकी शादी हुई थी बड़ौदा में, बड़ौदा की जो राजकुमारी थी पार्वती देवी, जो सावंतवाड़ी की रानी बनी। इनफैक्ट जो बापू साहब महाराज थे उन्होंने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का काफ़ी साथ भी दिया, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया, तो एक हम कह सकते हैं जो ये जो बापू साहब महाराज का अर्ली 1900s 1937 का जो कार्यकाल था ये एक सावंतवाड़ी का गोल्डन एज था। अनफॉर्चुनेटली जो बापू साहब महाराज है उनका एक फ्रीक एक्सीडेंट में निधन हो गया 1937 में, और उसके बाद उनके जो बेटे थे राजा शिवराम सावंत वो कम उम्र के थे, तो उस इसलिए उनकी जो पत्नी थी रानी पार्वती देवी द बरोड़ा प्रिंसेस वो रीजेंट बनी। उन्होंने सावंतवाड़ी का जो कार्यकाल है और जो राज्य है वो इतनी अच्छी तरह से संभाला कि महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि ही मेंशन दैट देर इज़ राम राज्य इन सावंतवाड़ी। तो उस समय कैसे होता था ना कि राम राज्य वॉज कंसिडर्ड द गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये महात्मा गांधी का ये जो स्टेटमेंट सावंतवाड़ी को राम राज्य कहना ये हमें बताता है कि रानी पार्वती देवी ने कितनी अच्छी तरह से सावंतवाड़ी एडमिनिस्टर किया होगा। राजा शिवराम सावंत जो है वो बहुत कम समय तक सावंतवाड़ी की गद्दी पर रहे और इनफैक्ट 1947 में वो विलीन हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। जो शिवराम सावंत हैं वो पॉलिटिक्स में सक्रिय रहे, आज उनका जो परिवार है वो सावंतवाड़ी में है, उनकी जो पत्नी थी रानी सत्वशीला देवी उन्होंने जो गंजीफा कार्ड्स हैं और यहाँ का एक लैकर के जो टॉयज़ होते हैं जो ओरिजिनली पर्शियन आर्ट है जो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में आया था तो उसे प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। सावंतवाड़ी में एक खूबसूरत महल भी है जिसे पर्यटक देखने दूर दूर से आते हैं, और अभी तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो लोगों का सावंतवाड़ी आने का रुझान और बढ़ रहा है। तो ये थी कहानी सावंतवाड़ी रियासत की।